यहाँ लगभग आज तो इस पूरे आयोजन का पांचवा दिन है और आखिरी दिन भी है। ये जब पहले दिन आप आए थे यहाँ, आप जब यहाँ अपना स्टॉल लगा रहे थे, तो कुछ एक्सपेक्टेशन रहा होगा इस पांच दिनों में, वो एक्सपेक्टेशन कितना पूरा हुआ? नहीं, काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन रहा और हम लोगों को जो DCH हैंडीक्राफ्ट से ये सपोर्ट मिला यहाँ पर, तो मेरे को लगता है वो निखर के आया है। वी गॉट अ वेरी गुड क्लाइंटेल राइट दिस टाइम। देखते हैं आफ्टर कोविड, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जीबिशन आई हैड स्टार्टेड, सो उम्मीद है कि ये अच्छा हो और सारे जितने क्लाइंट्स और बायर्स हमारे यहाँ पे स्टॉल पे आए और उन्होंने जो जो ऑर्डर्स एंड बुकिंग्स दी हैं वो फ्रूटफुल हो, बस यही एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू। जो फॉरेन बायर्स थे, उनका कैसा रुझान रहा, कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही तरह से उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट पे हमारे काम देखे और किए, और जैसे बेडशीट्स है, दोहर्स है, शर्ट्स है, हमारे कर्टन्स है, एप्रन्स है, बैग्स है, हर एक प्रोडक्ट पे उन्होंने हमें छोटे मोटे स्टार्टअप ऑर्डर्स दिए हैं। सो होप करता हूँ कि अच्छा हो, उनको और हमारे दोनों के रिलेशनशिप बिल्टअप हो एक छोटे ऑर्डर से ही, यही उम्मीद कर रहा हूँ। इस पूरे आयोजन में जो आयोजक हैं, खास करके EPCH जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो अगर पूरे अरेंजमेंट को लेके बात की जाए तो 10 नंबर में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 नंबर में से मैं 8 नंबर देना चाहूँगा। यस। आज तो अब चूंकि आयोजन का आखिरी दिन है, अब क्या मतलब आगे जो है इस आयोजन को लेके कितना उत्साह है, कि जैसा अभी 5 दिन का फीडबैक रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आगे जो फिर आयोजन होगा तो उसमें कैसा उत्साह है उसको? उत्साह तो है कि वापस से मैं आऊँ अपने नए प्रोडक्ट्स रेंज को लेकर और वापस नए बायर्स बने नए कंट्री के, ये उम्मीद करता हूँ। और EPCH एंड DCA हैंडीक्राफ्ट्स को मैं थैंक्स देता हूँ कि मेरे को फिर से एक बार और चांस मिले इस जगह पे, इस पर्टिकुलर इस जोन पर हम लोग वापस से अपने प्रोडक्ट को दिखाकर प्रमोट कर सके टू दी वर्ल्ड। थैंक यू।